फ्रेंड्स, यदि आप एक वॉशिंग मशीन परचेस करने का प्लान कर रहे हैं और आपके मन में ये डाउट चल रहा है कि आपको टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए, तो आज का इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक यदि पूरा देखते हैं तो आपके मन का ये डाउट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम टीवी टेक में। और आपने अभी तक आपके यूट्यूब चैनल प्राइम टीवी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम जब भी अपलोड करें आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बजट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी वॉशिंग मशीन टॉप लोड हो या फ्रंट लोड हो, कौन सी वॉशिंग मशीन आपके लिए बेटर है, इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब बात करते हैं हम इनके डिफरेंसेस की कि आपको क्या क्या डिफरेंस इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर आता है डिज़ाइन। तो आप टॉप लोड की बात करते हैं तो यहाँ पे टॉप लोड में आपको यहाँ पे ऊपर की ओर डोर देखने को मिलता है, जहाँ पे आप ऊपर से कपड़ों को डालते हैं मशीन के अंदर। और वहीं पे बात करें यदि फ्रंट लोड की, तो फ्रंट लोड में आपको फ्रंट साइड यानी आगे साइड पे आपको डोर देखने को मिलता है, यहाँ पे आप आगे साइड से इसमें आप कपड़ों को डालते हैं। और टॉप लोड वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि यहाँ पे एक आपको एजिटेटर देखने को मिलता है, यानी कि आपको सेंटर में जो आपका जो ड्रम होता है टॉप लोड वॉशिंग मशीन में, यहाँ पे आपको एक एजिटेटर देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा स्पेस आपका वॉशिंग मशीन के अंदर यानी जो टब होता है वहाँ पे स्पेस ले लेता है। वहीं पे बात करें यदि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की, तो फ्रंट लोड में आपको कोई भी एजिटेटर देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है वाटर यूजेस। फ्रेंड्स, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में आपको यहाँ पे वाटर जो है ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है यदि कंपेयर करें फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन से, क्योंकि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आपको 40-50% टॉप लोड के कंपेरिजन में कम वाटर रिक्वायर्ड होता है। फ्रेंड्स, अगले रीज़न की बात करें तो अगला रीज़न है वॉश क्वालिटी। फ्रेंड्स, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में आपका जो ड्रम होता है ये क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज रन करता है। और यहीं पे बात करें यदि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आपका टंबल वॉश होता है। तो यहाँ पे वॉशिंग क्वालिटी की यदि बात करते हैं तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन की जो वॉशिंग क्वालिटी है यदि कंपेयर करें अपने फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के क्वालिटी से, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम क्वालिटी देखने को मिलती है, क्योंकि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आपको जो टंबल वॉश होता है, यहाँ पे एक प्रकार से इसको बोलते हैं धोबी पछाड़ वॉश, तो यहाँ पे आपको जो कपड़ों की जो क्वालिटी होती है वॉशिंग की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, अगले रीज़न की बात करते हैं तो अगला रीज़न है डिटर्जेंट कंजप्शन। फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉप लोड जो वॉशिंग मशीन होती है यहाँ पे हमें फ्रंट लोड की कंपेरिजन में ज़्यादा डिटर्जेंट रिक्वायर्ड होता है, और वहीं पे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में हमें टॉप लोड के कंपेरिजन में कम रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले रीज़न की, तो अगला रीज़न आता है यहाँ पे पावर कंजप्शन। फ्रेंड्स, टॉप लोड वॉशिंग मशीन की बात करें तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि आपका जो RPM होता है मशीन के जो रन करने की जो पावर होती है वो थोड़ा सा कम होती है कंपेयर टू फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे आपको जो पावर है वो आपको ज़्यादा कंज्यूम होता है यहाँ पे टॉप लोड वॉशिंग मशीन में, क्योंकि आपके जो कपड़ों की वॉशिंग की क्वालिटी है वो बेस्ट करने के लिए यहाँ पे मशीन को बार बार रन करना पड़ता है, जिस कारण से आपका जो पावर कंजप्शन है टॉप लोड वॉशिंग मशीन में ज़्यादा होता है। वहीं पे बात करें यदि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की, तो इसमें आपका एक ही साइकिल में वो जो वॉशिंग की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलती है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में, जिस कारण से जो इसका पावर कंजप्शन है वो यहाँ पे कम होता है। फ्रेंड्स, अगले रीज़न की बात करें तो अगला रीज़न आता है यहाँ पे नॉइस। तो यदि टॉप लोड वॉशिंग मशीन का नॉइस लेवल देखा जाए तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है यहाँ पे यदि बात की जाए फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का जो नॉइस होता है वो आपको कम देखने को मिलता है। यदि मैं इसके रीज़न की बात करूँ, तो आपने यदि देखा हो यदि वॉशिंग मशीन यदि आप देखने जाते हैं कहीं पे, यदि शोरूम वगैरह में कहीं देखने जाते हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन का जो वेट होता है वो कम होता है यदि कंपेयर करें आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन से, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस कारण से आपको जो नॉइस है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है।
फ्रेंड्स अगले रीजन की बात करें तो अगला रीजन है वाटर प्रेशर। फ्रेंड्स आपके यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिसिटी कट होती है, यदि बार बार यदि कभी भी लाइट आती जाती रहती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर का जो प्रेशर होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि पानी चलते चलते ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए यदि टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेते हैं आप, तो यहाँ पे आपका एक बेनिफिट हो जाता है कि यदि कम प्रेशर भी आता है यदि आपका वाटर का, तब भी आपका जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है ये बेटर वर्क करती है। यहीं पर यदि बात करें हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में हमें जो वाटर प्रेशर है वो अच्छा चाहिए होता है, क्योंकि यदि वाटर प्रेशर यदि कम होगा तो हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो प्रॉपर रन नहीं कर पाएगी। फ्रेंड्स अगले रीजन की बात करें तो अगला रीजन है कैपेसिटी। तो यहाँ पे आपको टॉप लोड वॉशिंग मशीन में ड्रम में जो बीच में एजिटेटर देखने को मिलता है, जिस कारण से यहाँ पे जो कपड़े हैं वो कम आ पाते हैं। यहीं पे बात करें थी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आपको कोई भी एजिटेटर देखने को नहीं मिल पाता है, जिस कारण से आपको 20-30% जो कपड़े हैं वो एक्स्ट्रा आते हैं। फ्रेंड्स अगले रीजन की बात करें तो अगला रीजन है फीचर्स। तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में आपको यहाँ पे कम फीचर देखने को मिलते हैं। यहीं पे बात करें यदि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्टीम और आपको सेल्फ क्लीनिंग जैसे फीचर, काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स अगले रीजन की बात करें तो अगला रीजन है यहाँ पे स्पिन स्पीड एंड ड्राई टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन होती है, तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में आपको जो कपड़ा ड्राई होने में जो टाइम लगता है वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसकी जो ड्रम की जो स्पीड होती है स्पिन करने की वो कम होती है। और यहीं पे बात करें थी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आपका जो कपड़ा है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में ड्राई होता है और जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मशीन के जो RPM होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू आपका टॉप लोड वॉशिंग मशीन, जिस कारण से आपका जो कपड़ा यहाँ पे बहुत ही जल्दी सूख जाता है और ज़्यादा सूखता है। फ्रेंड्स अगले रीजन की बात करें तो अगला रीजन आता है यहाँ पे मेंटेनेंस। तो आपका जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन होती है, तो यहाँ पे आपको लो मेंटेनेंस में आपका जो मशीन है प्रॉपर तरीके से रन कर सकते हैं। और यहीं पे बात करें थी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आपका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्योंकि इसके जो पार्ट्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। और फ्रेंड्स अगले रीजन की बात करें तो अगला रीजन आता है कॉस्ट। तो यहाँ पे यदि टॉप लोड वॉशिंग मशीन की बात करें, तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के कंपैरिजन में सस्ते आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है वो आपका जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है उससे कम से कम आपका 20-30% आपका जो प्राइस है वो ज़्यादा रहता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं अगले रीजन की, तो अगला रीजन आता है ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पे जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो थोड़ा सा कम होती है, और बात करें यदि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आपका अप टू 15 ईयर्स तक आपका ड्यूरेबल रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है इस वॉशिंग मशीन में। फ्रेंड्स अगले रीजन की बात करें तो अगला रीजन आता है स्पेस कंजप्शन। तो यहाँ पे आपका जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, तो इसमें आपका टॉप यानी कि ऊपर से गेट ओपन होता है, तो जिस कारण से इसको कहीं पे भी आप रखते हैं तो स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। वहीं पे बात करें यदि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की, तो आपका जो डोर है फ्रंट लोड में आपका फ्रंट से ओपन होता है, जिस कारण से आप इसको किसी कैबिनेट वगैरह में भी सेट कर सकते हैं। बट यदि यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँ, तो आप जो आपका फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है या फिर टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, इसे ओपन एरिया में ही रखें, क्योंकि उसके जो जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा बेटर रहेगी यदि आप इसको ओपन एरिया में रख के रन करते हैं तो। फ्रेंड्स अगले रीजन की बात करें तो अगला रीजन है कन्वीनियंट। तो फ्रेंड्स जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में आपको बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है आपको इसको यूज़ करना, क्योंकि इसमें टॉप से आपका डोर रहता है, तो आपको यहाँ पे झुकने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई भी बूढ़ा पर्सन है यदि किसी के घुटनों में दर्द वगैरह है तो उसको झुकने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो यहाँ पे आपको टॉप लोड वॉशिंग मशीन काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा इसको यूज़ करना। वहीं पे कंपेयर करें यदि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में फ्रंट साइड में डोर होता है, जिसके लिए आपको कपड़े अगर इसमें डालने के लिए या निकालने के लिए इसमें आपको झुकना पड़ेगा, तो कमर में या फिर जोड़ों में यदि आपके दर्द है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन यूज करने के लिए। फ्रेंड्स अगले रीजन की बात करें तो अगला रीजन है एक्स्ट्रा लॉन्ड्री एडेड। तो यहाँ पे यदि आपने पूरा कंप्लीट आपका जो वॉशिंग के लिए जितने भी कपड़े आपने डाल रखे हैं वॉशिंग मशीन में, अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोई कपड़े ऐड करने हैं, तो आपका जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है तो आप उसमें इजीली से आपका डोर ओपन करके वो कपड़ों को डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपेयर करें हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन से, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका यदि एक बार मशीन यदि स्टार्ट हो गई तो वहाँ पे आप कोई भी कपड़ा ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो डोर है वो लॉक हो जाता है, और डोर आपका तभी ओपन होगा जब तक आपकी जो वॉशिंग साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है।
तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, तो यदि आप एक कम बजट में वॉशिंग मशीन परचेस करना चाहते हैं तो आप टॉप लोड वॉशिंग मशीन को परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप यदि आपके पास में बजट सफिशियंट है और कम स्पेस चाहिए है आपको और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वॉशिंग क्वालिटी आप अच्छी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आपको दोनों मशीन यानी कि आपको टॉप लोड और फ्रंट लोड दोनों मशीन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही बता दिए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके यूजेस के अकॉर्डिंग कौन सी वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुँच सके। और आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम टीवी टैग को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना भूलें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम जब भी अपलोड करें आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।